Hello everyone, the question is solve the following polynomial equation for x square minus 2 times of a plus 2 into x plus a plus 1 into a plus 3 equal to 0. ठीक है, ये polynomial equation दिया हुआ है, इसे solve करना है. तो polynomial equation है x square minus 2 times of a plus 2 into x plus a plus 1 इंटू ए प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म एक्सप्लिट करेंगे. एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, ये जो ए प्लस वन है और ए प्लस थ्री है तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. एक ए प्लस वन एक्स माइनस ए प्लस थ्री एक्स प्लस ए प्लस वन इंटू ए प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन था मिडिल टर्म में, यहाँ पे कितना a था, माइनस टू ए एक्स. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस ए एक्स एक आ गया, यहाँ माइनस ए एक्स आ गया, तो माइनस टू एक्स हो गया सेट. और बिना a वाला टर्म कितना था, माइनस फोर एक्स. यहाँ पे देखिए, माइनस एक्स यहाँ से है और माइनस थ्री एक्स यहाँ पे है, तो माइनस फोर एक्स हो गया. इस तरीके से मिडिल टर्म को हम लोग ब्रेक किए हैं दो टर्म में ऐसे. अब ये दोनों से, ये फर्स्ट दोनों टर्म से x कॉमन लेते हैं, तो ये होगा x इंटू एक्स माइनस ए प्लस वन माइनस, यहाँ पे अगर a प्लस थ्री कॉमन लेते हैं तो ये होगा x माइनस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो. तो अब यहाँ से फैक्टराइज हो जाएगा a माइनस ए प्लस वन, और दूसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस ए प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. तो एक्स का वैल्यू, दो वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू एक आएगा ए प्लस वन, एंड दूसरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस थ्री. इस तरीके से एक्स का दो वैल्यू मिलेगा, ए प्लस वन एंड ए प्लस थ्री, यही दोनों इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा. क्लियर?